यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन करने जा रहा है और इसका बहुत ही बड़ा मतलब है। अगर आपको नहीं पता, शायद सुनने में यही लग रहा होगा कि शटडाउन हो रहा है तो शायद इससे क्या है कि यूएस की इकॉनमी रुक जाएगी, लेकिन इसका पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों के यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन देखें तो इसका S&P जो इंडेक्स है वो लगभग 10-12% बढ़ा था, और ऐसा ही कई बार हुआ है पिछले कुछ सालों से, और यही एक्सपेक्टेशंस हम इस बार भी लगा रहे हैं, जो कि हमें डायरेक्टली इंपैक्ट BTC के ऊपर भी दिखेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि BTC का प्राइस करीब $27,000 के आसपास चल रहा है। जब से शटडाउन की न्यूज़ आई है प्राइस थोड़ा सा नीचे तो गिरा है, लेकिन यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइज हो चुका है। तो एक्चुअल में BTC के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको नहीं पता कि US गवर्नमेंट का शटडाउन क्या होता है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखते रहना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंचते रहें। और इसी के साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं ताकि आप हमेशा टाइमली एक्शन लेकर एक क्विक प्रॉफिट्स भी अर्न कर पाएं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि US गवर्नमेंट शटडाउन, अभी ये जो पॉइंट है, ये जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जनरली जो US का शटडाउन होता है, गवर्नमेंट का शटडाउन होता है, वो होता है जब भी कांग्रेस अप्रूव नहीं करती फंडिंग फेडरल गवर्नमेंट के लिए। जब फेडरल गवर्नमेंट के लिए फंडिंग ही नहीं है तो शटडाउन हो ही जाएगा, यानी कि जब सैलरीज नहीं दे पाएंगे तो ये होता है। और ये होता है सिर्फ 1 अक्टूबर को, अभी 30 सितंबर चल रहा है, यानी कि आखिरी दिन सितंबर का चल रहा है। तो नया फिस्कल ईयर इनका शुरू होने वाला है जो कि 1 अक्टूबर से बनता है, और शटडाउन का जो सिनेरियो अभी फिर से रिपीट होने जा रहा है। इसका हमेशा सबसे बड़ा असर किस चीज़ के ऊपर पड़ता है कि जितने भी इंप्लॉयज़ हैं या फिर फेडरल इंप्लॉयज़ हैं, मिलिट्री सर्विसेज हैं, उनको पेमेंट्स नहीं मिलती, उनको सैलरीज नहीं मिलती। सिर्फ कुछ ही ऐसे गिने चुने लोग होते जैसे कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं, या फिर जो अमेरिकन हैं जिनकी डिसेबिलिटी है, या फिर जो पोस्टल सर्विसेज हैं, कुछ ही सर्विसेज ऐसे रन करी जाती हैं, लेकिन बाकी जिनकी सैलरीज हैं गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज बंद कर दी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, जो GDP है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और लगभग हम बोल सकते हैं शटडाउन होने के साथ साथ एक दिन का $6 बिलियन का लॉस होता है US गवर्नमेंट का, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 0.1% 2023 के आखिरी क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस होने जा रहा है GDP में, यानी कि टोटल GDP धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ वो है SEC, यानी कि SEC भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो जितनी भी फाइलिंग्स हैं, जितने भी रिव्यूज़ हैं, वो एकदम से रुक जाते हैं। अब रिव्यूज़ की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे पहली बात कौन सी आती है हमारे लिए, वो है ETFs, यानी कि जो ETF के अप्रूवल्स हैं वो बंद होने वाले हैं, यानी कि जो फोर्थ क्वार्टर है 2023 का, इन 3 महीनों के अंदर ETF को लेकर हमें शायद कोई अच्छी अपडेट नहीं मिलने वाली। तो ETF अगर नहीं अप्रूव किया जाएगा SEC के द्वारा तो ये नेगेटिव अपडेट है ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जो S&P है अगर वो इंक्रीज़ होता है, या फिर अगर BTC का प्राइस इंक्रीज इंपैक्ट होता है इस शटडाउन की वजह से, तो इसमें हमें एक लंबी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमेशा जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेशन से टोटली ऑपोजिट ही काम करती है। अभी जो ETFs फाइल किए गए हैं, जिसकी ब्लैक रॉक, इन्वेस्को, बिटवाइज, वेलक्रे, तो कई सारी कंपनीज के ऑलरेडी ETFs फाइल किए जा चुके हैं, इवन इथेरियम के ETFs भी फाइल किए गए थे, और कुछ अच्छे BTC के ETFs ऑलरेडी चल भी रहे हैं। लेकिन अगर हम इथेरियम ETFs की बात करें तो उनको लेकर हमें कोई खास अपडेट अभी तक नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है, एक तो शेयर मार्केट्स की बात कर सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P की बात कर सकते हैं, उसके ऊपर पड़ता है, जो कि ऑपोजिट भी पड़ सकता है, ऑपोजिट मतलब प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। अब अगर हम सिर्फ BTC की बात करें, आप प्राइस देख सकते हैं लगभग कितना चल रहा है, $27,000 के आसपास। तो यहाँ पे बुलिश साइन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जैसे ही US गवर्नमेंट का शटडाउन होगा, जो कि सुबह पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि श्योरिटी है, पॉसिबल अगर ऐसा होता है तो BTC में हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें पूरे साल के अंदर, अक्टूबर महीना हमेशा अच्छा ही रहता है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं अक्टूबर महीने के अंदर। अब जैसे US गवर्नमेंट का शटडाउन होगा तो US बैंकिंग इंडस्ट्री एकदम शटडाउन हो सकती है, या फिर हॉल्ट पे आ सकती है, जिसकी वजह से जो फिएट मनी वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब इसके लिए कौन सा यूज़ होगा, वो है डिजिटल मनी। तो डिजिटल मनी को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज की जो अडॉप्शन है वो बढ़ सकती है इन आने वाले 3 महीनों के अंदर। और वैसे भी अभी प्री हार्विंग का पीरियड चल रहा है, और प्री हार्विंग के टाइम पे BTC हमेशा बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। तो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो बुलिश है प्री हार्विंग में, और उसके बाद पोस्ट हार्विंग पीरियड आएगा, फिर पोस्ट हार्विंग पैराबोला आएगा। तो ये 3 इवेंट्स होते हैं जब पोस्ट हार्विंग पैराबोला आता है, उसमें क्या होता है कि एकदम से प्राइस में बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो, स्टॉक्स जब US गवर्नमेंट शटडाउन होती है तो किस किस तरीके से इंपैक्ट होता है स्टॉक्स के ऊपर, आप देख सकते हैं
1976 से लेकर 1981 तक हम देख सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो नीचे गिरे, सिर्फ एक बार बढ़े थे। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें 82 में, 83 में, यहाँ पे जब जब भी शटडाउन हुआ तो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। 84 में और 90 में फिर से प्राइस नीचे गिरे। लेकिन इसके अलावा जितने भी हम देख सकते हैं 95 से लेकर 2019 तक हमेशा प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। S&P का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं, एक्चुअल में इंडेक्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। तो हम देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिली है। अगर ये ट्रेंड इसी तरीके से कंटिन्यू होता है तो हमें डेफिनेटली S&P के साथ साथ BTC का प्राइस में भी इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस जाएगा शॉर्ट टर्म में $28,500 तक और इसके बाद $30,000 के रेजिस्टेंस को, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करने वाला है। तो ये एक मानने वाली बात है कि S&P 500 से इंक्रीज हुआ था और ऐसे हम एक्सपेक्टेशंस इस बार भी लगा सकते हैं, जो कि खासकर ना ही सिर्फ BTC से बल्कि बाकी जितने भी अच्छे लार्ज कॉइन कैप्स हैं उनसे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने सिर्फ BTC की बात करी और गवर्नमेंट शटडाउन की बात करी, जो कि US का गवर्नमेंट के शटडाउन होने वाला है। इससे क्या है कि SEC जब काम नहीं कर पाएगा उस दौरान कई सारे प्रोजेक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर SEC का बहुत बड़ा दबदबा चल रहा था या फिर कोई ना कोई एक्शन चल रहा था, जैसे कि इवन बाइनेंस की अगर हम बात करें तो वो बाइनेंस जैसे और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे कुछ दिन या फिर हो सकते हैं कुछ महीनों भी, जिस कारण मैं पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे मार्केट में। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।